आपका फिर मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है गूगल को शुद्ध करना। तो दोस्तों गूगल एक आयुर्वेद की महान औषधि है। अब इसे हम शुद्ध कैसे करें, हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा है कि गूगल को शुद्ध गूगल। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं जो शास्त्रों के हिसाब से गूगल शुद्ध करना है वही हमें बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो दोस्तों हमें इधर उधर की बात में ध्यान ना देकर इधर उधर ना भाग के अपने शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चीज को करते हैं, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी वैद्य हकीम सन्यासी गुरु थे उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ बता दी है जिसे हमारे लिए आज करना बहुत आसान है। तो दोस्तों मैं आपकी इसकी शुरुआत करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। दोस्तों गूगल हमारा कहां कहां काम आता है मैं आपको कुछ बता देता हूं, और इसके गुण धर्म किससे मिलते हैं। दोस्तों इसके गुण धर्म जो है कोपेबा और कबाब चीनी से दोस्तों मिलते जुलते हुए हैं ये, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त इसका लोशन भी बनाते हैं। अब इसका लोशन जितने भी दुष्ट वालों को भरने में काम आता है, यानी कि जैसे कि आपके दांतों की सड़न, मसूड़ों की सड़न, पारिया, ठीक है, पुराने प्रदर, ठीक है, जलन, गले के जो जलन होती है उसे मिटाने में बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों गूगल। अब दोस्तों ये पुराने अग्निमंद रोगों को, ठीक है, बहुत तेज दीपन पाचन के लिए क्रिया में काम आता है, बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। और पुराना नजला, अतिसीर, आंतों की सूजन, ठीक है ना दोस्तों, इन सब के लिए बहुत जबरदस्त है। फेफड़े के रोगों में दोस्तों बहुत जबरदस्त काम करता है ये, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से दोस्तों पुराने से पुराने बुखार भी जाते हैं और भूख को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बहुत जबरदस्त है भूख के लिए। और जलोदर पांडु रोगों में बहुत जबरदस्त काम करता है, जैसे कि दोस्तों आपके जोड़ों के दर्द, साइटिका का दर्द, दर्दों में भी दोस्तों इसका बहुत जबरदस्त काम आता है। अब मैं आपको इसके नाम बता देता हूं कुछ गूगल के, अमृत तादी गूगल, आभा गूगल, ठीक है, केसोर गूगल, काचनार गूगल। दोस्तों सबसे ज्यादा हमें जो सुनने को मिलता है वो काचनार गूगल का मिलता है, ठीक है ना, त्रिफड़ा गूगल, ठीक है ना, इस तरह के दोस्तों बहुत सारी बटियां इस नाम से गूगलों के नाम से भी आती हैं और बहुत सारी फार्मेसियां दोस्तों बनाती भी हैं। तो आपने किसी भी गूगल का इस तरह, जैसे कि गूगल महायोग, महायोगराज गूगल, इस तरह के किसी भी तरह की आप बटियां बनाती हैं या किसी भी फार्मूले में आपने गूगल डालना है तो उसे हमें शुद्ध करना होता है सबसे पहले। तो दोस्तों हमें शुद्ध कैसे करना है इसे, योगराज गूगल। तो दोस्तों शुद्ध करने का तरीका यह है, जैसे कि मेरे पास ये 250 ग्राम गूगल है, ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें तीन प्रकार का गूगल आता है, मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास सबसे फर्स्ट क्वालिटी का गूगल है दोस्तों, एक इससे थोड़ा हल्का आता है, मैंने आपको दिखाने के लिए एक ये डली थोड़ी सी मटमैली करी है ये, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, वो इस कलर में आता है, थोड़ा मिट्टी कलर में, देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर मिट्टी चिपक रही हो इस तरह की, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये मेरा गूगल एक एक चीज में एक एक गोंद अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, बहुत जबरदस्त और हाई क्वालिटी का। दोस्तों इस गूगल में तीन क्वालिटी आती है, एक सबसे लो, एक मीडियम, एक सबसे हाई क्वालिटी। तो दोस्तों 250 ग्राम गूगल या 1 किलो गूगल, ठीक है, इसे शुद्ध करने के लिए दोस्तों आपने मेरे पास जैसे 250 ग्राम, मैं आपको बताता हूँ, तो 250 ग्राम गूगल के लिए 250 ग्राम त्रिफड़ा चाहिए, 80-80 ग्राम तीनों चीज़। तो दोस्तों आंवले में भी मैं आपको दिखा दूँ कि जब बाजार से आप आंवला लाते हो तो इस तरह का आता है, तो दो आपने आंवले के अंदर से इस तरह की गिटक और ये डंडियाँ निकाल के ये साफ करके तब आपने इसका वजन करना है, और इसी तरह हरड़ की, इस तरह बहेड़ी की, दोस्तों तीनों चीज़ साफ सुथरी करके तब लेनी है। और दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर रखनी भूल गया, वो है गिलोय, ठीक है, आपने इसमें आधा किलो गिलोय डालनी है, बारीक बारीक कुतर के ताज़ा गिलोय हरी। तो इसमें दोस्तों आपने 2 किलो पानी डाल देना और रात भर पड़े रहने देना है। और दोस्तों इसमें हल्का सा फिर जोश देके, यानी कि हल्का सा एक दो बार बॉयल करके इस पानी को छान लेना है। फिर दोस्तों उस पानी के अंदर आपने इस गूगल को डोला यंत्र करना है, जैसे कि दोस्तों सभी दोस्त जानते हैं डोल यंत्र हम कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर भी डोल यंत्र का कई सारे दोस्त को नहीं पता। आपने इस गूगल को एक कपड़े में दे, दोस्तों कपड़ा आपने इस तरह का लेना है जिसके अंदर आप दवाइयों को छानते हो, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो। तो आपने इस तरह गूगल रख के और इसे ढीला ढाला बांध के इस तरीके से कपड़े को, तो उस जो आपने अवलो बनाया है, इसका क्वाथ बनाया है, उस क्वाथ में लटका दे और मंदी मंदी आंच जला दे, तो सारा दोस्तों कपड़े में को छन के गूगल पार हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये अपनी गंदगी है ये देख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में ये देख सकते हो पेड़ की गोंद वगैरह, पत्ते वगैरह हैं,
तो ये सब दोस्तों कपड़े में रह जाएंगे और आपका शुद्ध गूगल नीचे बैठ जाएगा। फिर दोस्तों आपका एक अवलो सा बन जाएगा इस तरह, ये मेरे पास देखते हो शुद्ध गूगल है, अभी मैंने इसे सुखाया नहीं है, इस तरह एक अवलो सा बन जाएगा। फिर दोस्तों आपने इस अवलो को धूप में रख के खुशक करना है दोस्तों, आपने बिल्कुल प्रॉपर इसे आग पे नहीं खुशक करना, वरना गूगल के गुणधर्म कम हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसे आप 8-10 दिन के लिए धूप में रख दें तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का एक तारकोल जैसा बन जाएगा आपके पास दोस्तों। फिर आपने उस गूगल को इमाम दस्ते में डालकर कुटाई करनी है और आहिस्ता हल्का हल्का देसी घी लगाते रहना है, कुटाई करते रहना है, देसी घी लगाते रहना, कुटाई करते रहना है। दोस्तों शास्त्रों के हिसाब से अगर इसका वर्णन किया जाए तो जो गूगल को 1,00,000 चोट लगा देता है तो इसमें सोने के गुण आ जाते हैं दोस्तों, सोने जैसे गुण आ जाते हैं गूगल के अंदर। तो जो दोस्त गूगल को शुद्ध करना चाहता है इस तरह कर सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा महंगा होने के कारण इसके अंदर छोटी वाली कंकर भी मिला देते हैं बहुत सारे दोस्त, और दूसरे गोंदों का भी इजाफा कर देते हैं दोस्तों। अपने अच्छे पंसार स्टोर से इसे लें जो आपका विश्वासदार पंसार स्टोर हो, और साफ सुथरी चीज़ लें दोस्तों, तो फिर आपको ये बेहतरीन और ज़बरदस्त रिजल्ट देगा दोस्तों। मैं आपको आगे आगे सोच रहा था इसे लाइव शुद्ध करके दिखा दूं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि लाइव दिखाने की जरूरत हो। सभी दोस्त जानते हैं कि गूगल को किसी तरह शुद्ध करना है, जो दोस्त नहीं जानते मैंने उनके लिए वीडियो बना दिया, क्योंकि कई सारे दोस्तों के मेरे पास फोन आए थे कि गूगल कैसे शुद्ध करना चाहिए, किस तरह शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसे वक्त मिला तो कभी फिर इसे आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके लाजमी करें।